अध्यक्ष महोदय, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो प्रस्ताव रखा उसका प्रारंभिक भाषण में उन्होंने अपने ये उल्लेख किया कि सभी धर्म के लोग प्रारंभ में अंग्रेजों के पहले मुगल शासकों ने भी गौ रक्षा के लिए काम किया। ये कोई जाति धर्म की बात नहीं है। द मिनिस्टर विल रिप्लाई, डोंट वरी, व्हाई डू यू वरी, यू विल सी एट दैट टाइम। बोलो बोलो बोलो, टाइम बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। ये कोई धर्म से जुड़ा मामला नहीं है। मैं मध्य प्रदेश में 7 साल तक गौ संरक्षण बोर्ड का अध्यक्ष रहा हूं। मैं केवल उसके आर्थिक पक्ष रखना चाहता हूं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि एक ऐसी वैज्ञानिक जांच करवाई जाए कि क्या वास्तव में गौ दुग्ध में और बाकी दुग्ध में अंतर है, क्या गौमूत्र में, गोबर में और बाकी जानवरों के उसमें अंतर है। हमारे आयुर्वेद में इसका उल्लेख है और केवल गौमूत्र का नहीं, अनेक जानवरों के मूत्र का आयुर्वेद में उल्लेख है। परंतु गौमूत्र के बारे में मेरा इतना कहना है, गाय के बारे में, कि गाय एक आर्थिक दृष्टि से हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान के पास गाय रहती है, गाय का वेस्टेज खेत खाए, खेत का वेस्टेज गाय खाए, खेत में से जो निकलता है वेस्टेज वो गाय खाए, और गोबर और गौमूत्र का उपयोग खेत में हो तो रासायनिक खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। जोधपुर विश्वविद्यालय में इसके ऊपर शोध हुआ कि हमारे लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, तो उसकी रिपोर्ट छपी थी पत्रिका में कम से कम 6-7 साल पहले। पूरे पेज के ऊपर उन्होंने बड़े भारी उससे छापा था कि हमारे यहाँ पर जितना अनाज है, सब्जियां हैं, दूध है, सबके अंदर जहर आ गया है और लोगों का स्वास्थ्य, बीमारियां हो रही है, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। हमारे यहाँ के एम्स के डॉक्टरों का एक रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में और नवभारत टाइम्स में छपी थी। वो डॉक्टर लोग गए थे हरियाणा में और वहां पर कुछ लोगों से बात करने लगे तो उन लड़कों ने कहा कि हमसे बात मत करिए, हमारे पूर्वजों से, बड़े लोगों से बात करो। तो उन्होंने कहा कि आप भी तो बड़े हो। बोले नहीं, हम तो 18 साल के हैं। तो डॉक्टर ने आश्चर्य किया कि आप 18 साल के इतने ऐसे दिखते बुजुर्ग। तो बाद में उसका शोध करके डॉक्टरों की रिपोर्ट थी, एम्स के डॉक्टरों की, कि ये अनाज खाने से, रासायनिक खाद खाने से इनकी स्थिति बनी है इस प्रकार की। माँ के दूध में भी जहर आ गया है, ये बात भी हमारे जिन्होंने शोध किया वैज्ञानिकों ने, उन्होंने ये बात कही है। इसलिए इस रासायनिक खाद का बहिष्कार करके और जैविक खाद पे अनाज पैदा किया जाए तो लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा। आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में और पास के 2 जिलों में, वहां पर पूरे जिले में एक दाना रासायनिक खाद नहीं आता है, ऐसी जानकारी मैंने और अखबारों में पढ़ी है, मैंने पत्रिकाओं में पढ़ा है मैंने ये। तो गाय के गोबर में से गैस बनाई जा सकती है, गाय के गोबर से खाद बनाया जा सकता है, गाय के गोबर से अमृत पानी बना करके और तत्काल अगर खेत में सींचा जाए तो 1 एकड़ जमीन उसकी बहुत अच्छी हो सकती है। तो इस प्रकार बूढ़ी गाय भी जो दूध नहीं देती है वो भी हमारे लिए उपयोगी है। मैं सोचता हूँ मध्य प्रदेश के अंदर मुझे पता है करीब करीब 70 गौशाला ऐसी जिसके अंदर गौमूत्र की औषधियां बनती है और अनेक उसके ऊपर जो है और लोगों को दवाई से और इलाज करते हैं। मैंने मध्य प्रदेश के अंदर जब मैं गौ संवर्धन बोर्ड का अध्यक्ष था, एक 3 दिन की कार्यशाला की थी, उसमें 29 वैज्ञानिक आए थे देश के। पहले दिन गौ संवर्धन कैसे करना, दूसरे दिन जैविक खेती कैसे करना, उससे क्या लाभ है, और तीसरे दिन गौमूत्र से औषधियां और आयुर्वेदिक किस प्रकार दवाई कर सकते हैं। और भैंसज रत्नावली में इस बात का उल्लेख है कि गौमूत्र के अनुपान से दी गई औषधि आयुर्वेद की 10 से लेकर 40% तक ज्यादा लाभ करती है। तो इन सबका अनुसरण करना चाहिए, किसी बात का केवल हम आंख मीच के विरोध करें यह ठीक नहीं है। हमारे डेनियल राजा जी हैं, उन्होंने कहा, ठीक है उनका तो अपना विचार है, उनकी पार्टी का विचार है, और वर्ग संघर्ष कैसे हो और किस प्रकार हर चीज को, भारत की हर चीज को नकारा है, तो उस विचारधारा के उनकी इस बात का मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने विरोध किया, वो अपनी जगह ठीक है, उन्होंने उनकी विचारधारा के हिसाब से विरोध किया। मैं देश के हित के लिए कहना चाहता हूं, लोगों के स्वास्थ्य के हित के लिए कहना चाहता हूं। इसके लिए मैंने गांव में 1 महीने तक बैलगाड़ी यात्रा की, गांव गांव में किसानों से बात की और मैंने कहा मैं गाय बचाने के लिए कहने के लिए नहीं आया हूं, मैं ये कहने आया हूं कि मरने से बचना है तो गाय की शरण में जाओ, नहीं तो हम ये अनाज जो खा रहे हैं, हम सब्जियां जो खा रहे हैं, जिस प्रकार की बीमारियां देश में बढ़ रही है, इस अगर लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूं
कि सरकार इस प्रकार की एक एजेंसी बनाए जो जांच करे कि वास्तव में क्या स्थिति है। मैं अभी करनाल गया था कृषि हमारी संसदीय समिति की बैठक में, समिति के दौरे में एक सेकंड कमेटी के दौरे में मैं खत्म कर रहा हूँ टाइम ओवर के अपने उस कमेटी में वहां जब उन्होंने बताया वैज्ञानिकों ने कि ए टू दूध जो है ये मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और ये केवल भारतीय नस्ल की गाय के द्वारा ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं और अलग से दूध उन्होंने पैक करना शुरू किया है। ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज के गाय का संरक्षण होना चाहिए। कोई तो मिनिस्टर रिप्लाई कोई ये नहीं है। जावेद भाई ने बात कही, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। रिप्लाई प्लीज सारे समाज को एक साथ में लेकर सहमति बनाकर कानून चाहिए।